सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस सजी तेलुगु फिल्म आरआरआर को जाता है। फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर श्री किंग सोलोमन को रजत कमल। The intense and well-choreographed stunt and action scenes enhance the film's overall cinematic experience undoubtedly. And we love the way he stormed onto the stage and we are not surprised. RRR team, yes. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी तेलुगु फिल्म RRR का चयन किया गया है। पूरी दुनिया को अपनी कोरियोग्राफी से अचंभित करने वाले कोरियोग्राफर श्री प्रेम रक्षित ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। RRR takes it all, Prem Rakshit. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार भी फिल्म RRR के नाम। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर श्री वी श्रीनिवास मोहन, आपको भी रजत कमल का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन सॉन्ग के लिए फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट वन के श्री देवी श्री प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड स्कोर के पुरस्कार के लिए फिल्म आरआरआर के संगीत निर्देशक श्री एमएम कीरवानी को रजत कमल। बेहतरीन दिग्गज प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री एमएम कीरवानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए। बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम। ये पुरस्कार प्राप्त कर रही है मिस उत्कर्षणी विशिष्ट, आपको रजत कमल का सम्मान। स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए फिल्म शेरशाह को रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री करण जौहर। Karan Johar on the stage, huge round of applause, ladies and gentlemen, for the film Sher Shah, a story of a young soldier on the border and his supreme sacrifice for the nation, saluting his martyrdom. In fact, it is a sort of tribute to all those who are guarding our frontiers and who keep us safe day in and out. Aur is film Sher Shah ke nirdeshak Shri Vishnu Vardhan ko bhi Rajat Kamal se sammanit kiya ja raha hai. Another one for Shershah, Team Shershah, Shri Vishnu Vardhan. Deshvasiyon mein deshbhakti ke jazbe ka sanchar karti film Shershah. सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के अंतर्गत फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संवाद लेखन के लिए श्री प्रकाश कपाड़िया को पुरस्कृत किया जा रहा है। मंच पर पधार रहे हैं श्री प्रकाश कपाड़िया। Let's hear it for श्री प्रकाश कपाड़िया. Whatever Gangubai spoke, he is the man. Powerful and incisive dialogues that created the ambience, the milieu and the period, giving life to colorful characters. और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संवाद लेखन के लिए ही मिस उत्कर्षणी वशिष्ठ को भी रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत करें गंगूबाई काठियावाड़ी की टीम का। और फिल्म एरवे निडल के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस श्रेया घोषाल। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार फिल्म आरआरआर को। और फिल्म आरआरआर के पार्श्व गायक श्री काल भैरव मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार लेते हुए। Let's hear it for him, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ सहअभिनेत्री का पुरस्कार जाता है फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही है मिस पल्लवी जोशी, आपको रजत कमल का सम्मान। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पल्लवी जोशी फॉर द फिल्म कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। लिए सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को। Thank you.
फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की विजेता अभिनेत्री कृति सेनन, आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for his sensitive performance of the story of a surrogate mother facing social backlash and personal internal conflicts. Film Gangubai Kathiawadi ke liye sarvashreshth abhinetri ka puraskar prapt kar rahi hain abhinetri Alia Bhatt. Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman Gangubai. और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। पुष्पा, अल्लू अर्जुन फॉर एन इंटेंस कैरिस्मेटिक परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरडॉग चैलेंजिंग एन एंटायर करप्ट सिस्टम, आइकॉनिक रोल, सर्टेनली डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। शेष निर्देशन के लिए फिल्म गोदावरी के निर्देशक श्री निखिल महाजन को स्वर्ण कमल का सम्मान, जोरदार तालियों से स्वागत करें निर्देशक श्री निखिल महाजन का। इस बार फिल्म के पुरस्कार के लिए फिल्म गांधी एंड कंपनी को स्वर्ण कमल पुरस्कार, फिल्म के निर्माता एमडी मीडिया कॉर्प पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री महेश दन्नावर, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी के निर्देशक श्री मनीष सैनी स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए निर्देशक श्री मनीष सैनी। येट अनदर अवार्ड फॉर टीम गांधी एंड कंपनी। राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दस अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री। National Integration Award is being backed by the one and only The Kashmir Files, ladies and gentlemen, and the film that deals with socially relevant subject about the integration of the country. Kashmir Files take the National Film Awards here in this category also. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म आरआरआर के निर्माता डीवीवी एंटरटेनमेंट्स एलएलपी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कल्याण दासरी, आपको स्वर्ण कमल का सम्मान। An epic saga of India's struggle against colonial rule narrated as a modern legend, RRR. और फिल्म RRR के लिए स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं जाने माने निर्देशक श्री SS राजामौली। ये आपका चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इस प्रकार फिल्म RRR ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए, जोरदार तालियां। फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट के नाम, फिल्म के निर्माता रॉकेट्री एंटरटेनमेंट LLP, और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं शिवर्गीस मुलान। Rocketry delves into the challenges and the controversies faced by scientists, showcasing his determination, his resilience and the triumph of truth. One of the films that actually captured the heart of entire nation, Rocketry, the Nambi Effect. और फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट के लिए फिल्म के निर्देशक श्री आर माधवन भी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल, जोरदार तालियां। बतौर निर्देशक ये आपकी पहली फिल्म है श्री आर माधवन। और मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का, और इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हम सब की चहेती जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्री वहीदा रहमान जी। श्रीमती वहीदा रहमान, जो हिंदी सिनेमा में आपके तुलनीय योगदान के प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी के नाम। स्टैंडिंग ओवेशन coupled with a huge round of applause speaks volumes of the fact that Wahida Rehman, the iconic, the timeless beauty Wahida Rehman, is loved by one and all. And as we take these proceedings forward, we can tell that Wahida ji is visibly emotional right now, the timeless beauty.